नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत यानी कि रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सन 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। जगह जगह कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में कप्तानगंज के मंगलम मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी का एक हुजूम देखने को मिला, जिसमें सेक्टर एवं बूथ स्तर के सेक्टर प्रभारियों की बैठक रही समाजवादी पार्टी के, जिसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर और नेता उपस्थित रहे, जो समाजवादी पार्टी को किस तरह से लोकसभा चुनाव सन 2024 में कितनी प्रगति पे लानी है, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ बैठक की गई। बात करेंगे रामकोला विधानसभा के प्रभारी कैलाश चंद कन्नौजी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस सम्मेलन में अहम भूमिका निभाने का काम। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? आज की बैठक को लेकर यही कहना चाहेंगे, हम समाजवादी साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बूथ और सेक्टर का गठन करके जगह जगह पर्यवेक्षकों को बुला करके ये कार्यक्रम को और रहे कार्यक्रम में, और सभी लोगों ने शिरकत किया और बूथ स्तर के और सेक्टर रखते सभी कार्यकर्ताओं को जो है सजेशन दिया कि आने वाले कल 2024 जो दमनकारी सरकार है, यह गोगी बहरी सरकार है, जुमलेबाजी सरकार है, इसे हमको कैसे हटाना है, उस पर चर्चाएं आई हैं। महंगाई पर चर्चा आई है, उसके बाद जो है बेरोजगारी पर चर्चा आई है। समस्त नेताओं ने चर्चा करते हुए बूथ स्तर के और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, और ससम्मान जो है पार्टी का नोछा अपरस और भी सामग्री देकर उनका माला देकर सम्मान किए हैं। ये हमारे बड़े नेता किए हैं। आज समस्त बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ता एक आवाज़ में स्वर लगा कर गए हैं कि इस बार 2024 में हम समाजवादी पार्टी समस्त लोग मिलकर के इस गोगी बहरी सरकार को निश्चित हटाएंगे, निश्चित है, ये वचन लेकर गए हैं। बूथ स्तर और सेक्टर स्तर प्रभारियों की बैठक हुई, कितने प्रतिशत प्रभारी और सेक्टर प्रभारी भाग लिए? 90% 90% ऊपर रही है। क्या रणनीति है सन 2024 लोकसभा चुनाव? रणनीति यही है कि हमको इस गोगी बहरी सरकार से निजात पाना है, जो बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दे सकी, और जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो वांट का जो है कि यानी ये परीक्षा कर करके करते रहे और नहीं आए, उनकी उम्र तक खत्म हो गई, बहुत लोग आत्महत्या कर लिए, आज उनकी शादी नहीं हो रही है, ये सब सारी बातों को लेकर चर्चा आई है। और इसीलिए समस्त नौजवान और समाजवादी ये सब मिल करके और जो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। सन 2024 की बात की जा रही है, अभी विधानसभा चुनाव रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी का ग्राफ देखा जाए तो कुछ बेहतर नहीं रहा रामकोला विधानसभा में, तो क्या लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन आइए जल्दी। ये जो है विधानसभा वाला 27 में जाएगा, 27 में विधानसभा में कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिला, लोकसभा में कैसा रहेगा? ऐसा है, ये धर्म की राजनीति में, धर्म की राजनीति में, धर्म के आड़ में हिंदू मुसलमान करके लोगों को जो है बहका करके तरह तरह के जाल फैला करके ये जो है गोगी बहरी सरकार आ गई, लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है और जागरूक होकर के इसे निश्चित है 2024 में हटाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक? आज की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस बूथ सेक्टर और जोन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बुलाया है, उनका निर्देश है कि जैसे रामकोला विधानसभा में 356 बूथ प्रभारी, 35 सेक्टर प्रभारी और 8 जोन के प्रभारी नामित हुए, आज सबको नामित किया गया है, अब उसमें सभी वर्गों को जोड़ा गया है और सभी वर्ग के लोग इस उम्मीद के साथ संगठन में सम्मिलित हुए हैं कि मूलभूत मौलिक जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत मौलिक आवश्यकताएं, यह सरकार देने में अभी तक फेल रही है। शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर यह सरकार कहीं कोई कुछ धरातल पर काम नहीं कर रही है, यहाँ तक कि यह देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में यह सरकार का एक किसान विरोधी उदाहरण
कप्तानगंज चीनी मिल पर मिलता है, जहाँ एक तरफ चीनी मिल बंद हो गई और 44 करोड़ रुपया किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हुआ। पिछले दीपावली के भुगतान नहीं हुआ, पिछले दीपावली के दिन जब समाजवादी पार्टी के नेता राधेश्याम सिंह और समाजवादियों ने आंदोलन किया तो ये सरकार जेल में भेजी लेकिन भुगतान नहीं कराई। इसलिए किसान भी तैयार है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, नौजवान और शिक्षित बेरोजगार जो खास करके जिसे पता है कि हम पढ़ाई कर लिए हैं, मुझे नौकरी नहीं दिया जा रहा है और सरकार सरकारी उपक्रमों को निरंतर बेचते जा रही है, इसलिए आने वाला दिन संकट कालीन है। इसलिए नौजवान खास करके शिक्षित बेरोजगार, किसान और महंगाई से आम आवाम परेशान है और सभी लोग मिलकर के यह तय किए हैं कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, एक नई सरकार लाना है जो जनता के हित में काम करे। 24 में कैसा प्रदर्शन होगा? 2024 में समाजवादी पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी और एक बार पुनः नेताजी के सपने को साकार करते हुए कम से कम 50 से 60 सीटें जीतकर लोकसभा में जाएगी और कहीं ना कहीं मजबूर करेगी कि समाजवादी सिद्धांत की सरकार बने। क्या कहना चाहेंगे नेताजी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो PDF फार्मूला अपनाया है उसका नमूना आप घोसी में देखे होंगे। निश्चित रूप से हमको विश्वास है, हमारे समाजवादी साथियों को विश्वास है कि PDA के फार्मूला पर हम इस बार फतह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। जनता में क्या देखने को मिला सर? जनता में क्या रोष है? जनता त्रस्त है इनकी महंगाई से, बेरोजगारी से। समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं लोग? बहुत भारी संख्या में हर समाज के लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं राजभर समाज से मिलान करता हूँ, मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी दबे कुचले पिछड़े शोषित सबको मौका दिया संगठन में।